एंड वेलकम टू डिड यू नो। मैं तलिका एक बार फिर लेकर आई हूँ आपके लिए खास बेस्ट इन्फॉर्मेशन। पिछली बार मैंने आपको अहमदाबाद के नाम और माणिक चौक के नाम के पीछे की इंटरेस्टिंग सी स्टोरीज बताई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले एपिसोड में कि इसका नाम अहमदाबाद अहमद शाह के नाम पे से पड़ा था, लेकिन ऐसा नहीं था कि ये अकेले राजा थे जिन्होंने इस जगह को डेवलप किया था। इसको डेवलप काफी सालों से किया जा रहा था। इसके शुरुआती दौर के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा हाथ रहा राजा अल्लाह वली का, जी हाँ, जो एक भिल कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। लेकिन भिल कम्युनिटी से बिलोंग करने के बावजूद वो उस समय में बहुत ही प्रोग्रेसिव थिंकिंग रखते थे। उनकी वजह से आर्ट्स, ट्रेड, कॉमर्स को काफी एनकरेजमेंट मिली उस समय में। लेकिन उनको टेक ओवर किया राजा कर्णदेव ने, जी हाँ, उन्होंने उनको युद्ध में हरा के इस जगह को टेक ओवर कर लिया था। अब्दाली के समय में अहमदाबाद चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ था। इसमें 12 दरवाजे थे, जिसमें से पंचकुआ और प्रेम दरवाजे नाम के दो दरवाजे बाद में बनाए गए थे। और यहाँ पे बहने वाली द मोस्ट फेमस साबरमती नदी पहले माणिक चौक से बहती थी। डिड यू नो, अहमदाबाद को बहुत सारे दूसरे नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि राजनगर, श्रीनगर, अहमदाबाद, अहमदपुरा, अकमीपुर, अहमदनगर। और यहाँ पे एक जामा मस्जिद भी है जिसे महमूद बागदो ने बनवाया था। इसी जामा मस्जिद के टावर पे से पावागढ़ साफ साफ दिखाई देता है। लेकिन जब इतनी कहानियों से भरे हुए शहर में राजा जहांगीर आए तो उनको ये जगह कुछ खास पसंद नहीं आई। उन्होंने इसको गर्दाबाद करके बुलाया था, जिसका मतलब है द सिटी ऑफ डस्ट। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको मिलूंगी अगले एपिसोड में। फिलहाल के लिए यहाँ पे टाइम मेरा खत्म होता है। इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए आईडी पे। टिल वी मीट नेक्स्ट, गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।